आइए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो कि टावर के बॉटम से 30 मीटर की दूरी पे है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए जो जो कंडीशंस दी हुई है इस क्वेश्चन में, उसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट से मीनार के फुट की दूरी 30 मीटर है। हमने ग्राउंड पर कोई पॉइंट सी ले लिया, इससे मीनार और ए भी मीनार है, ए भी मीनार है, और सी पॉइंट से मीनार के बॉटम यानी फुट बी की डिस्टेंस 30 मीटर दी हुई है और मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट सी से मीनार के टॉप ए का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो एंगल सी 30 डिग्री हो जाएगा। हमें मीनार की हाइट निकालनी है, यानी कि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए बी ही मीनार की हाइट है। लेट ए बी इज द टावर एंड सी इज द पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर एंड फ्रॉम क्वेश्चन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमने ए बी को टावर मान लिया, सी को वो पॉइंट मान लिया जो कि मीनार के बॉटम से 30 मीटर की दूरी पे है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट सी से मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी 30 डिग्री है। हमें इस क्वेश्चन में ए बी की लेंथ निकालनी है जो कि मीनार की हाइट होगी। हम देख सकते हैं कि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमें एक एंगल पता है, एक साइड की लेंथ पता है और ए बी की लेंथ निकाली, यानी एक साइड की लेंथ निकाली। अगर हम 10 की रेशियो ले लें तो 10 30 डिग्री के रेशियो में ए बी भी आ जाएगा और बी सी भी आ जाएगा, क्योंकि 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, तो 30 डिग्री के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी बेस होगा। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालेंगे इस राइट ट्रायंगल में, तो हमें ए बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम राइट ट्रायंगल ए बी सी में 10 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम जानते हैं कि 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, तो 30 डिग्री के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने की साइड ए बी है और हम जानते हैं कि जिस एंगल के लिए हम रेशियो निकालते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और जो साइड उससे एडजेकेंट होती है वो बेस होती है। तो यहाँ सामने की साइड ए बी है 30 डिग्री के सामने और बी सी एडजेकेंट साइड है, तो बी सी बेस होगा और ए बी परपेंडिकुलर होगा। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए बी की हाइट तो हमें फाइंड ही करनी है जो कि टावर की हाइट है, ए बी अपॉन बी सी। बी सी क्वेश्चन में दिया हुआ 30 मीटर है, मीनार के बॉटम से पॉइंट सी की डिस्टेंस बी सी है जो कि 30 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 10 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ए बी इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 30, दैट इज रूट थ्री को अदर साइड भेजने पे ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो अदर साइड जाने के बाद 30 को ये रूट थ्री डिवाइड करेगा, तो ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू, 30 को हम 10 इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाएगा और 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, तो 10 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री, रूट थ्री और एक रूट थ्री कैंसल इज इक्वल टू 10 रूट थ्री मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट थ्री मीटर।